हेलो जी, की हाल चाल? किदा हो सारे? वधिया? आप बहुत वधिया जी। आज मैंने सोचा कि व्लॉग का इंट्रो चेंज किया जाए। आप लोग बताइएगा कि आपको ये वाला किदा हो सारे वधिया वाला इंट्रो कैसा लगा। तो आज भी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज कोई स्पेशल दिन है, इसलिए हमज़ा की वीडियो आ गई है। तो सही बात है जी, आज भी एक स्पेशल दिन है यहाँ पर हमारे, क्योंकि हम लोग जब गंदम शंदम काटते हैं तो उसके बाद जो है हमारी तरफ जो लंगर दिया जाता है आगे पीछे सब लोग घरों में, और हम लोग लंगर देते हैं अपने यहाँ पर दरबार में। तो काफ़ी टाइम हो गया गंदम काटे हुए, तो लंगर नहीं दिया था, तो इसलिए बोला है कि चाचू लोगों ने सब ने कि आज लंगर दिया जाए। तो आज उधर लंगर पक रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि आज अपने व्लॉग का इंट्रो चेंज किया जाए। खेतों में ट्रैक्टर चलवा दिया, ये साइड पे उस साइड पे हम लोगों ने अपनी, तो क्योंकि अभी दोबारा अभी यहाँ पे जो है कि छलियाँ लगाएंगे शायद से, तो देखते हैं अभी। और आज के बाद पक्का ये जो मेरा इंट्रो है कि दाँव सारे वधिया वाला रहेगा हमारे व्लॉग में। तो अभी चलते हैं उस साइड पे जहाँ पे लंगर पक रहा है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ जी। मेरे चाचू जान के इस साइड पे एक और नया घर बना है मेरे चाचू का, ये अभी खुलता है घर, तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बना सा ना नुमान दर पे जाना। हाँ हाँ साइड पे जी रोटियां शोटियां पक रही हैं। और जोड़ा एव जड़े पाप लाल और कोले उधर गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं इधर कमरे में वापस आ गया। पर यहाँ पे हमारे मुबशर साहब बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। बोल बोल, जब कैमरा घुमाया तो तब इसका मुंह बंद हो गया। फ़ोन के पीछे मैंने अपने जोकर लगा लिया यहाँ पर, मैंने कहा कि चलें थोड़े से दिन इसे बीच में लगा के चेक करते हैं कैसा लगता है। मुझे तो नहीं है इतना अच्छा लग रहा, आप लोग बताइएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं। यार देखते हैं कितना है, काम हो गया। हांडिया पका रहे साड़िया जे तो कद दूर दराज वाला बंदा हो तो फिर तो कोई छुट्टी कसना नेड़ा चढ़ा हुआ उसी पर मार पैनी। जान निकल गई है यार, अभी वहाँ पे खाना वाना सब कुछ तैयार हो गया है, अभी चलते हैं वहाँ पे, शायद जाएंगे अभी देने के लिए खाना। उधर दरबार पे चलेंगे, वहाँ पे भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और इस पसीने का क्या इलाज किया जाए आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा आता है पसीना। पहन के तैयार होता हूँ क्योंकि ये तो कपड़े गंदे हैं, सही नहीं है सुबह से पहने। इसी में व्लॉग शुरू कर दिया था, गंदा मंदा आपके सामने आ गया, बस आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें। जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर थोड़ा सा काम ठीक हो जाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी बाल शाल भी कटवाने हैं, बाल भी थोड़े बड़े हुए हैं गर्मी में, तो देखते हैं अभी क्या चलता है। फिर खाने के लिए पड़ा या नहीं, कुछ भी नहीं, खाली फ्रिज ऐसी तरह आटा वाटा पड़ा हुआ है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के फ्रिज का भी यही हाल होता है या कुछ ना कुछ हर टाइम पड़ा होता है, ऊपर भी खाली है, इधर गोश्त वोश्त लगा हुआ है सब कुछ। ये जी आज हम वाइट सूट पहनने वाले हैं, जाएंगे पहन के, लेकिन इनका हाल जो है 10-15 मिनट के अंदर ख़राब हो जाएगा पसीने गर्मी से। ये जी कपड़े शपड़े पहन के मैं तैयार हो गया हूँ, और अभी बस यहाँ से थोड़ी देर बाद निकल रहे हैं, और भी बहुत सारे काफ़ी सारे लोग होंगे वहाँ पर, फिर चलते हैं आप लोगों को भी दिखाएंगे वहाँ पर। जी यहाँ से अभी लंगर लोड करेंगे रिक्शे में और फिर निकलेंगे यहाँ से, दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी उधर लंगर लोड होगा और फिर निकलते हैं। चलें जी अभी यहाँ पर लोड करवाते हैं रिक्शे में लंगर। इस कोने च किन्नी छोई, इस कोने च थल्ले रख
बस जी लंगर यहाँ पर ले आए हैं, अभी थोड़ी देर तक नीचे पहुँचते हैं और फिर तकसीम करना शुरू कर देंगे। वो खलता रहते वो कोई नहीं बोन लाई आनो बोन लाई खड़ो लाई खड़ो ए चनकलाए राखी पैसाणो। यहां से नीचे जा रहे हैं जी, अभी आस्ते आस्ते लाया बबन साहब हैं ये तो सांस से YouTube पर बात आना भैया ने दो पोटियां काट खा था आ वाह मैं आखा चलो मैं आखा तो सांसी यूट्यूब पर पास हूँ वीडियो। नीचे जा रहे हैं जी अभी यहाँ से, देखें जी कितना मज़े का रास्ता है, ऑफ रोड हो रहा है जी आज हमारा रक्षा ऑफ रोड कर रहे हैं। देखें जी गाइस चुंगा बहुत सारी है छिक्की तला होगा पहुंच चुके हैं जी यहाँ पे दरबार पे और सब लोग भी काफी सारे बच्चों बच्चों बाटो जी सारे लंगर शंगर खा रहे हैं आगे पीछे। यहाँ से भी ऊपर चढ़ते हैं जी, आपको ऊपर जाके दरबार भी दिखाता हूँ, जो ऊपर दरबार बनी हुई है वो चल के देखते हैं अभी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। यहाँ से बहुत ऊपर जाना पड़ता है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। इस लंगर शुरू करने की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि ये कब से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ हुआ है लगभग हमारे इधर 70 से 80 साल हो चुके हैं। हमारे पहले दादा परदादा जो थे वो दिया करते थे, फिर उनके बाद उनकी नस्लें, फिर उनके बाद आस्ते आस्ते चलती 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 काफ़ी सारे जो है हमारे जो लोग गुजर गए हैं, जो अभी लोग हैं, ये लंगर का सिलसिला शुरू है और हर साल हम यहाँ पर ही पक्का आकर लंगर देते हैं, गंदम काटते हैं और गंदम काटने के बाद फिर आकर यहाँ पर लंगर देते हैं। तो बहुत ही मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है, अल्लाह कबूल करे ये हमारी जो खैरात है या लंगर है जो भी है। तो ये सब बंदों के मुंह में पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बस सबको बता देते हैं कि आए यहाँ पर लंगर है काफ़ी सारा और बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर बकरी की भी आवाज़ें आ रही होंगी, यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं लोग, बकरियाँ बकरे शकरे चढ़ा देते हैं, फिर हर जुमेरात को या किसी भी दिन कोई भी एक दो दिन रख लेते हैं बीच में, जिस दिन यहाँ पर दोबारा लंगर दिया जाता है। बड़ी ही सुकून वाली जगह है, ऐसी जो जगहें होती हैं बहुत ही सुकून वाली जगह होती हैं, जहाँ पर आकर इंसान सब चीज़ों को भूल जाता है, बस एक ऐसी चीज़ जो है याद रहती है कि बिल्कुल सुकून है, शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह पे ऐसी ये जो है दरबार बनी है। इतने भी सुनसान नहीं है, ऊपर आबादी भी है काफ़ी सारी और लेकिन यहाँ पर जब नीचे उतरते हैं काफ़ी सारा सुकून मिलता है। यहाँ पर आके हम लोग दुआ मांगते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए और बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि जहाँ पर जाएँ, दरबार जाएँ, किसी भी मज़ार पर जाएँ, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, कुल उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआ किया करें, ताकि आप किसी के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करेगा। तो अभी चलते हैं नीचे वाली तरफ, उतरते हैं, काफ़ी सारा ऊपर चढ़ के आया हूँ तो अभी चलते हैं थोड़ी देर तक यहाँ से नीचे। यहाँ पर काफ़ी सारा सुकून है, यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगा मैं और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से जाऊँगा नीचे।
चलें जी, अभी नीचे का सफ़र शुरू हुआ चाहता है यहाँ सर। यहाँ से नीचे का नज़ारा कितने मज़ेदार है, आगे दरख्त हैं, यहाँ से बीच बीच से ऐसे सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। जी अभी वापसी की तैयारी हो गई है, अभी यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। जी गाइस, तो लंगर शंगर खिला के घर वापस आ गए। ये देखें हालात बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं है, ख़राब हो गए हालात, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और अभी जल्दी जल्दी घर आए हैं और लास्ट जो है सीन लिया कि जो वहाँ पर लोडर में सामान रख रहे थे, तो जो मैंने वीडियो का जो आउटरो है वो भी चेंज कर दिया। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। हम तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखते हैं। चंगा फिर, रब रखो।